यहाँ पे देखिए दोस्तों इस तरह से बर्फी बना के हमारा तैयार है। तो चलिए बर्फी बनाना स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए प्लीज। सभी लोग से माता है भैया से हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले। एक छोटा सा गांव करने वाले, जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा वीडियो आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज संध्या के किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जितने माता ने भैया हमारे चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बगल में लाल घंटी है उसको जरूर दबाएं, जाके सबसे पहले रेसिपी आप लोग को हमारा मिले। तो चलिए आज एक मीठा लेकर आप लोग को नए तरीके से आए अपने किचन में बनाने के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम। अब वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए आप लोग। अब कमेंट आप लोग करते हैं तो बहुत काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग को हमारी रेसिपी पसंद लगती है। आप लोग कमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक हमको मालूम नहीं चलेगा कि आप लोग को हमारी रेसिपी कैसा लगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आज चल रहे हैं हम सूजी की बर्फी बनाने के लिए। तो यहाँ पे 3 पाव सूजी हमने ले लिए हैं, आधे के जी चीनी हमारा यहाँ पर है, और उसके बाद देख रहे हैं घी लिया है यहाँ पर, घी हमने यहाँ पर लिए हैं आधे पाव। उसके बाद यहाँ पे मिल्क पाउडर है, आप अपने कम बेसी अनुसार से डाल सकते हैं। आपके पास नहीं है तो दूध की मलाई भी आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं काजू और बादाम को ले लिए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं छोटी इलायची लिए डालने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको जला ले रहे हैं, कर रहे हैं सफाई में, बचे फिर गए हैं पूरे, देख रहे हैं जो कर सफाई में लग गई है। तो इधर हमने आपको जला ले रहे हैं। अब इन दोनों को सफाई करने में बहुत काफी अच्छा लगता है, कर दिए इसको आपको जला ले रहे हैं इस तरह से। जो लोग हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूलें आप लोग। इसी तरह से हम वीडियो बना दे रहे थे क्योंकि छत पे चढ़ाए के लिए मैंने आया था, तो हम तभी बचा कर धीरे धीरे आ जाते रहे हैं। सोच रहे हैं कि आप लोग मेरे वीडियो को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम सोच रहे हैं चूल्हे बनाते तो आप लोग थोड़ा देखते हैं 100 से ऊपर पहुँच जाता है, नहीं बनाते हैं चूल्हे पर तो बिल्कुल नहीं पहुँचता था। इसीलिए क्षमा चाहते हैं आप लोग से कि जब तक तबीयत खराब हमारा चल रहा है तब तक हम कोई रेसिपी जल्दी अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम जला लिए, आपको जल गया है, इसमें हम डालेंगे घी को। यहाँ पे देख रहे हैं कि घी को डाल दिए हैं, घी को डालने के बाद से अच्छे से इसको हम पिघलाएंगे। आप घी के जगह पर रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं, रिफाइंड तेल पे हम बना सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका था, इसमें हम डालेंगे सूजी को। कुछ लोग कहते हैं सूजी क्या होता है, तो आप लोग रवा बोलते हैं, गांव में हम लोग सूजी बोलते हैं इसको। अब इसको मीडियम आंच पे अच्छे से भूनेंगे। तो आंच को बिल्कुल मीडियम रखना है आप लोगों को, जाके जरे मत है। तो अच्छे से देखिए आप हम भून रहे हैं, बस इसका कलर आपको चेंज करना है, ज्यादा इसको नहीं भूनना है। तो देखिए भूनते भूनते इसको हमारा पार्ट मिनट हो चुका है, इसका कलर देख रहे हैं कितनी अच्छी आ रहा है। आप देख सकते हैं खाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कोई भी देखते हैं रेसिपी बन रहा है तो बार बार बच्चे के पास मोबाइल जब भी घुमाइए वीडियो तब भी ऐसे ऐसे बाय बाय करने लगते हैं। यहाँ पे मिल्क पाउडर डाल देंगे, अब इसमें हम निकाल ले रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर तो सारे इसी तरह से निकाल ले रहे हैं। अब यहीं पर डालेंगे 1 कप पानी, हम देख रहे हैं यहाँ पर इसी तरह हम साफ कर लिए हैं। अब यहीं पर डालेंगे चीनी को, चीनी डाला अब डालकर इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसमें जैसे देख रहे हैं कि घी लगा था चम्मच में, तो घी हम इस तरह से इसमें डुला दिए हैं, तो जो सारे कचरा था इसमें निकल आया है, देख रहे हैं आप लोग। तो इसमें कचरा हम निकाल लेंगे पलटे के सारे से, आप दूध भी डालकर निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा बस चाशनी हल्का सा हाथ में चिपचिपा रहा है, इसमें हम डालेंगे। अब
थोड़ी थोड़ी अब इसमें थोड़ी थोड़ी डालना, जैसे देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा सब परेशान किए हैं एकदम। यहाँ देखिए इसको हम डाल दिए, इसी तरह से मीडियम आंच पे पकाएंगे अच्छे से। देखिए हम इसको यहाँ पे देखिए इसको पकाते हुए हमको 5 मिनट हो चुका है अच्छे से। अब करिया में लगना नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये करिया देख रहे हैं कि नॉन स्टिक करिया जो रहता है उसमें नहीं लगता है, इसमें लग जाता है। तो इसको देखिए मीडियम आंच में पका रहे हैं। अब इसी में डालेंगे हम यहाँ पे देखिए इलायची को, इलायची से कोई भी मीठा रहता है उसका टेस्ट जो बदल जाता है हमारा, काफी अच्छा लगता है। यही पे देख रहे हैं चस के रखे हैं तो काजू और बादाम को भी डाल दे रहे हैं, बिल्कुल बार भी काट लिए हैं। इसको हम इस तरह से मिला लेंगे अच्छे से। आप यही पे डालना चाहते तो घड़ी का मुरादा भी डाल सकते हैं, बाकी हमारे पास नहीं है तो नहीं डालेंगे यहाँ पर। तब यहाँ पे देख रहे हैं कि करैया हमारा छोड़ना शुरू हो गया है, तो हम इस तरह से कैसे जानेंगे कि बर्फी हमारा जम सकता है। यहाँ पे देखिए हम इसको गिरा लिए हैं, देखिए बर्फी हमारा जम के तैयार हो रहा है। तो इस तरह से रहेगा तो हम जान लेंगे बर्फी हमारा जम के तैयार होगा अच्छे से। तो चलिए हम इसको निकाल ले रहे हैं थाली में। तो हमारे पास बर्फी जमाने वाला नहीं है तो हम इसी में जमाएंगे बर्फी को। तो आग को बिल्कुल हम बुझा लिए हैं, तो गर्म में हम इस तरह से जैसे बर्फी को जमाना रहेगा उस तरह से इस तरह से हम कर ले रहे हैं। तो इसलिए हमने तेल लगाए हैं हल्का सा, तो आप हाथ से भी इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मोटे पतले बर्फी आपको जमाना हो उस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसी तरह हम क्या करेंगे इसको ढक देंगे, इसके ऊपर से देख रहे हैं काजू को लगा दे रहे हैं। अभी कुछ सटाने लायक नहीं है तो हम काजू को इस तरह से सटा दिए हैं। अब इसको तुरंत गर्म में हम क्या करेंगे इसको ढक के इस तरह से रख देंगे, जाके इससे क्या होता है कि मेरी बर्फी जो है बहुत अच्छा कलर आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम इस तरह से बर्फी सारे काट लिए हैं, तो बर्फी अच्छे से कट गया हमारा। तो देख रहे हैं कितनी सुंदर बर्फी कट गया है, तो आप लोग को निकाल के भी दिखा दे रहे हैं। तो ये डिजाइन हम काटे, आपको जो डिजाइन पसंद हो उस तरह से काट सकते हैं। यहाँ से पहले हम किनारा से निकाल लेंगे, क्योंकि बर्फी को जैसे किनारे से पहले निकालने पे अच्छा शेप नहीं बना है। अब इसी तरह से हम सभी बर्फी को निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बर्फी हमारे शेप बन के तैयार है। तो बर्फी थोड़ा सा शेप हमारा बड़ा साइज में कट गया है, आप लोग देख सकते हैं बर्फी को निकाल ले रहे हैं, बहुत काफी अच्छी बर्फी बनकर हमारा तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग जरूर बनाए। तो बर्फी का शेप थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हमारा हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा 2 kg बर्फी बनके तैयार है, कितनी अच्छी बर्फी बनाए आप लोग देख सकते हैं। बर्फी को आप लोग को तोड़ के भी दिखा दे रहे हैं, देखिए कितना अच्छा बर्फी है बनके तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। अब बहुत आसान तरीका से आप लोग बर्फी को बना सकते हैं, ये बर्फी जैसे जैसे सभी लोग खा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा बन के तैयार है, तो इसको हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं करीब से भी, बहुत सुंदर लग रहा है बर्फी। तो होली पे इस तरह से बना के बस पीस हमारा जो है थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग छोटा भी काट सकते हैं, देखिए थोड़ा सा बड़ा हमारा है, तो बन के तैयार है। तो वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम इसी तरह से बर्फी आज अपने किचन में